आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे सहित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा गत 2-3 दिन से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिसके कारण आम आदमी खासा परेशान है। शुक्रवार को दिन में करीब 3 घंटे से अधिक समय तक कस्बे में बिजली बंद रही, जिसके कारण गृहणियों व बिजली संबंधित व्यापार वाले जूस, वुडन वर्क्स, ई मित्र सेंटर्स सहित आवश्यक कार्य बाधित व आमजन परेशान रहे। विद्युत विभाग द्वारा गत कई दिनों रात्रि में बिजली की कटौती की जा रही है तथा दिन में भी कई बार बिजली गुल होना आम बात है। शुक्रवार को दिन में 3 घंटे से अधिक समय तक बिजली बंद रही। बिजली बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रात्रि 7 बजे बिजली बंद रहने से महिलाओं की परेशानी हो रही है। यह समय खाना बनाने व खाने का होता है। इस समय बिजली बंद हो जाने से उन्हें बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है। विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो एक ही जवाब मिलता है, आगे से बंद है, कहकर फॉर्मेलिटी कर ली जाती है। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट। लाइट कटौती से हम सभी परेशान हैं, जब से कांग्रेस की सरकार आई है। पिछले विगत 2-2.5 वर्षों में ये सबसे निकृतम स्तर पर पहुँचती जा रही है सरकार। जो इन्होंने दावे किए थे उसकी पोल खुलती जा रही है। हम महारानी साहब वसुंधरा राजे जी की सरकार में अपने क्षेत्र के अंदर 24 घंटे हमको बिजली मिलती थी। पानी देखो अगर तो नल का पानी में भी गंदगी आती है। सभी दूर से पूरी तरह से विफल रहे, किसानों के मुद्दा हो या सबसे ज़्यादा हम लाइट के मुद्दे से अभी यहाँ पर। ये कहना है कि ये पहले तो कम जा रही थी, मगर अभी अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा जा रही है और इसका कोई समय नहीं है। किसी भी टाइम पे बंद कर देता, इसकी कोई कटौती की सीमा नहीं है। अभी कल रात को भी लाइट गई, रात भर बहुत से लोग परेशान हुए और आज दिन में भी कई चक्की पे किसी को आटा पीसाने जाना है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाले को परेशानी आ रही है और लाइट विभाग, विद्युत विभाग वाला कुछ इस विषय में कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है।